ओके सो ऑल ऑफ यू सबने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस करना. दोज हु हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन एमएस वर्ड जस्ट रेज योर हैंड्स. वंशिका, जानवी, राशि, सुमेधा. ओके वेरी गुड. तो काफी कम लोगों ने पर स्टार्ट किया है. सो एज आई सेड इन माय प्रीवियस क्लास यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस एमएस वर्ड पे करना पड़ेगा प्रैक्टिस, अदरवाइज यू नॉट बी एबल टू यू नो सॉल्व इट इन योर एग्जाम. मिनिमम आप लोगों को 2 मंथ्स चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट पेपर. इनफैक्ट ऑल्दो CS1 में उतने ज्यादा नहीं है मैथमेटिकल टाइपिंग, बट स्टिल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस इट अलॉट, राइट? अदरवाइज इन एग्जाम यू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज वाइल टाइपिंग योर आंसर्स. इवन इफ यू नो द आंसर, यू नॉट बी एबल टू यू नो कम्प्लीट योर पेपर. सो दैट इज अगेन अ वेरी बैड थिंग टू हैपन इन एन एग्जाम, दैट यू नो द क्वेश्चन, यू नो द आंसर, बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट. सो दैट इज द लास्ट थिंग विच शुड हैपन इन योर एग्जाम, राइट? ओके सो वन सेकेंड. सो टुडे वी विल बी सॉल्विंग टू सम्स एंड यू ऑल विल सॉल्व इट विथ मी. ओके सब मेरे साथ साथ आज सॉल्व करने वाले हो. चलो ग्रेट. आई शेयर माई स्क्रीन. सो लास्ट क्लास हमने ये दो सम सॉल्व किए थे एंड टुडे वी विल बी सॉल्विंग टू न्यू सम्स. आई विल बी फर्स्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, एंड देन वी विल कम टू क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज अ लिटिल इजियर, सो वी विल कम टू दैट इसके बाद. सो पहली बात तो इट्स वेरी प्रोबेबल दैट यू ऑल कैन एक्सपेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस इन CS1. लास्ट टर्म में भी काफी एमसीक्यू क्वेश्चंस वर देयर. यू ऑल कैन अगेन एक्सपेक्ट दैट दिस टर्म आल्सो यू कैन गेट एमसीक्यू क्वेश्चन अगेन, राइट? सो वी विल बी सॉल्विंग फर्स्ट दिस क्वेश्चन. इसमें ऑल द क्वेश्चन आर एमसीक्यू. वी विल सी कैसे इसको करना है. नाउ वॉट दे से IFOA, वॉट IFOA हैव मेंशन, हैज मेंशन दैट यू डोंट हैव टू शो द सोल्यूशन, यू जस्ट हैव टू मेंशन द फाइनल आंसर. मतलब अगर आपका A2 है इसका आंसर, सो यू जस्ट हैव टू मेंशन A2. ठीक है, आंसर 1, वॉट एवर आंसर इज दिस. क्वेश्चन 4 है तो आंसर 4, पार्ट 1, आंसर इज A2. जस्ट दैट व्हाट दे सेड, दैट इज व्हाट दे सेड इन सितंबर 2020 टर्म. नाउ दिस टर्म आई हैव सीन दैट दे एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू यू नो गिव द सोल्यूशन. थोड़ा सा पार्ट दे एक्सपेक्ट यू, एंड इट्स ऑलवेज सेफर कि आप दे दो. इवन इफ दे हैव मेंशन दिस इन सितंबर फॉर सितंबर 2020 एग्जामिनेशन, दैट यू डोंट हैव टू गिव द एमसीक्यू सोल्यूशन. यू जस्ट हैव टू मेंशन द आंसर नंबर विच इज A1, A2, वट एवर इट इज. बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2-3 लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे टू बी ऑन अ सेफर साइड. ठीक है, सो दैट 2-3 थिंग्स आर देयर दोज आर अपियरिंग फॉर फ्रॉम IFOA फर्स्ट टाइम. एक प्लेगरिज्म का मेल होता है. सो यू ऑल कैन इफ यू ऑल गिव 1-2 लाइन का सोल्यूशन, तो वो मेल आप अवॉइड कर सकते हो कि आपको नहीं आए, बिकॉज आप प्रूफ दे रहे हो कि आपको आता है क्वेश्चन. एंड सेकेंडली इट्स ऑलवेज टू यू नो टू बी ऑन अ सेफर साइड कि चलो अगर उस पे मार्क्स है, मे बी उस टर्म में मार्क्स दे दिया उन्होंने, सो यू विल गेट द फुल मार्क्स. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी विल वेट फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन इस टर्म के लिए. अगर अलग से उन्होंने कुछ बोला तो वी विल लुक इन टू दैट. बट अभी के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग सोल्यूशन थोड़ा सा दे दो. ठीक है, वेन यू चेक द एग्जामिनर्स रिपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो आप लोग देखोगे उन्होंने भी दिया है. ओके सो टू बी ऑन अ सेफर साइड, ऑल्दो दे डोंट एक्सपेक्ट, उन्होंने क्लियरली मना किया, बट स्टिल वी विल प्रोवाइड सम बिट ऑफ सोल्यूशन. अगर टाइम है तो जरूर से करना, नहीं है तो खाली सोल्यूशन देके छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू मेंशन A1 या A2, A3, A4, यू विल गेट योर कंप्लीट 2 मार्क्स देयर.
Okay, so let's read this question. It's a very good question, and then we'll solve two questions. And अगर last में कुछ doubts होंगे, I will take up those doubts. So quickly, all of you will help me to solve this question. And I will not solve ये पूरा. I will just solve the first two portions. Next two, you will solve it on your own, right? Identify which one of the following options gives the probability that the sum of the two dice. Okay, so the question is a pair of fair six-sided dice is rolled once. So there is a pair of six-sided dice, fair dice, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is rolled once. Now the first question is identify which one of the following options gives the probability that the sum of two dice is 7. दो डाइस हम रोल कर रहे हैं. What is the probability कि दोनों डाइस का सम गिव्स यू 7? तो ये चार ऑप्शंस हैं. Now to get this 2 marks, you can just simply mention option, जैसे मैंने बोला A1, A2, A3, anyone you can mention. But exam में अगर आपके पास टाइम है, like पहले आप क्या करो, अगर कोई भी MCQ question है, you just give the option names and you just leave it. At the end, if you have time, you can come and you can just write first line of this, like just the expression. You don't have to solve it पूरा. You can just give the first expression line कि आपने कैसे proceed करा, ठीक है? Because 2 marks आपको पूरा खाली A1, A2, A3 लिखने का मिल जाएगा. Okay? So how to solve? How to proceed? Anyone? How to proceed this question? कोई भी ट्राई करूं? Anyone? इसका आंसर A2 है। नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए था, मुझे मेथड चाहिए था. यस निजा, आवाज नहीं आ रहा मुझे. हाँ, आवाज नहीं आ रहा. एनीवन एल्स? किसी को आवाज आ रहा है कि मुझे ही नहीं आ रहा? किसी को नहीं आ रहा. ओके, एनीवन एल्स? या तो चैट बॉक्स पे लिखने का ट्राई करो एक बार. एनीवन एल्स कैसे प्रोसीड करें इस क्वेश्चन को? अगर इफ यू ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू ऑल कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस महक, मैम, फर्स्ट वील कैलकुलेट, लाइक फर्स्ट वील राइट द सैम्पल्स प्लेस. सो द सम ऑफ टू डाई विल बी 7. इफ द पेयर कम्स आउट टू बी 1, 6, 6, 1, 2, 5, 5, 2. करेक्ट. तो पहले हम लोग सैंपल, इसका सैंपल स्पेस लिख देंगे पूरा, ठीक है? सो आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट. आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट. लेट मी जस्ट जूम इसमें, ठीक है? तो इसका सबसे पहले तो आंसर जो भी आएगा वो आप खाली इधर लिख दोगे, A2, A1, whatever, ठीक है? ये इससे लिखने से पूरा आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं होता तो आपको पूरा चीज लिखना पड़ता. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन वर्ड. कैसे हम लोग करते, तो इसको हम लोग ऐसे करते, प्रोबेबिलिटी आप क्या ले लोगे, अगेन यू कैन टेक एनी ब्रैकेट, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, डजेंट मैटर. दो चीज है ना, एक्स एंड वाई है, ठीक है? सपोज ले लेते हैं, यू विल डिफाइन, आई एम नॉट राइटिंग इंटायरली, यू विल डिफाइन पहले दैट एक्स एंड वाई, लेट एक्स एंड वाई बी द रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 which comes up from die 1 and die 2. ठीक है, that is how you define your x and y. Clear? And then what do you want? यहाँ पे x plus y should be equal to 7. This is what you want. This is what you want. ठीक है, तो इसके जो भी I think इशिता बोल रही थी या महक बोल रही थी, तो उसमें यू विल नाउ टेक आउट ऑल द प्रोबेबल आउटपुट जो हो सकते हैं हमारे, कि x equal to हो सकता है 1 अगर, तो उस केस में y हो जाएगा हमारा 6, राइट? प्लस अगर हम बोल रहे हैं कि x 2 है, तो उस केस में y will be 5 एंड सो ऑन. यू ऑल विल कंप्लीट दिस. तो x 3 y 4, x 4 y 3, x वैसे करके आप लोग सारा ले लोगे, कितने टोटल आउटपुट आएंगे? 1 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6, ठीक है? 6 आउटपुट्स आएंगे, 6 सैंपल स्पेस आएंगे. क्लियर? 6 सैंपल स्पेस हुआ. एंड देन आई एम नॉट राइटिंग द इंटायर थिंग, वो आप लोग करोगे खुद से. पूरा चीज लिखना है, ऐसे डॉट डॉट नहीं देना है एग्जाम में, ऑब्वियसली पूरा चीज लिखना है, ठीक है? आई एम नॉट राइटिंग इट. शॉर्टकट इसके लिए अपने क्या यूज कर सकते हैं? अपने इसी को बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं.
आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एंटायर थिंग एंड इसको जस्ट नंबर्स को आई कैन चेंज. ठीक है, आई कैन चेंज जस्ट द नंबर्स. अगेन पेस्ट कर दिया एंड खाली नंबर चेंज कर दिया. तो ये आप लोग कर सकते हो. ठीक है, मैं पूरा चीज नहीं दिखा रही, ये आप लोग करोगे खुद से. एंड देन यू विल अब नाउ ऑल द टू डाइस आर इंडिपेंडेंट. ऑब्वियसली एक डाइस का आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर. तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन, प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू सिक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? राइट, सो यू विल राइट विद इन द ब्रैकेट्स, अज्यूमिंग, नॉट अज्यूमिंग, यू विल जस्ट राइट दैट एक्स एंड वाई आर बोथ इंडिपेंडेंट. इसमें कोई अजम्पशन नहीं है. एंड देन यू विल प्रोसीड. नाउ इन दिस केस, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 मार्क्स का आता है एंड एमसीक्यू फॉर्म में नहीं, प्रॉपर सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो आप लोग क्या करोगे इस पार्ट में? जैसे ऐसे लिखा, ध्यान से सुनना मैं जो बता रही हूँ. आप लोगों ने ऐसे लिखा इधर, इसको ले लिया 2 एंड इसको ले लिया 5. ठीक है, ये लेने के बाद व्हाट यू विल डू इज, यहाँ पे अब आप डॉट 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 दे सकते हो, यहाँ पे अब आप डॉट 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 दे सकते हो, और एंड में पूरा जो लास्ट वाला है खाली उसको लिख सकते हो. क्यों यहाँ पे ये क्यों कर सकते हो? बिकॉज इट्स अंडरस्टूड. यहाँ पे तो आपको सेपरेटली देना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि आपको स्टेट स्पेस आता है कि नहीं, इसका सैम्पल स्पेस आपको पता है कि नहीं. राइट, तो यहाँ आपको पूरा फॉर श्योर देना पड़ेगा. मैं करके दिखा देती हूँ, अदरवाइज जस्ट टेक मी 2 मिनट्स. तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. 5 हो गया, ये हो गया 2, एंड देन अगेन दिस विल गिव मी 1 एंड 6. ठीक है, तो ये आप लोग को पूरा लिखना है. क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि आपको ये स्टेट स्पेस पता है, सैंपल स्पेस पता है पूरा. एंड देन ये आप ऐसे डॉट डॉट करके दिखा सकते हो, 2 लिखा है एंड नहीं, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड कि बाकी सारा भी ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा. एंड देन व्हाट यू विल डू इज, यू विल शो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताना एक बार. एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 इज व्हाट, 1/6, क्योंकि इट्स अ फेयर डाई. एंड वाई इक्वल टू 6 इज अगेन 1/6. तो 1/6 कैसे लिखते हैं अपने? सिंपली 1/6 लिखो, इक्वेशन एडिटर का कोई जरूरत नहीं इधर. मल्टीप्लाइड बाय 1/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6. अगेन यू कैन यूज दिस डॉट डॉट वाला चीज, प्लस करके डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इट्स अंडरस्टूड कि क्या आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, इनटू 1/6. एंड देन फाइनली व्हाट आंसर यू विल गेट, 2/1/36 कितने बारी आ जाएगा? 6 टाइम्स. सो यू विल गेट कितना? 1/6. फाइनल आंसर 1/6 है क्या? फाइनल आंसर इज 1/6. नाउ दिस एंटायर प्रोसेस यू विल शो, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू नहीं है. एमसीक्यू में दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये पूरा चीज सिखाओ. आई शोड यू ऑल कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आप लोग को ये स्टेप सिखाने पड़ते. नाउ अगर ये एमसीक्यू के फॉर्म में ही आएगा, यू ऑल कैन जस्ट सिंपली राइट यहाँ पे A2 एंड यू कैन लीव. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है इन योर एग्जाम, यू कैन जस्ट राइट टिल हियर एंड यू ऑल कैन इसको लिख के इक्वल टू 1/6 कर सकते हो. दिस स्टेप यू कैन स्किप, और यू कैन जस्ट राइट दिस थिंग एंड लीव इट अगर टाइम नहीं है. बट ये फर्स्ट स्टेप क्यों दिखाना जरूरी हो जाता है? इससे एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा दैट यू नो द क्वेश्चन. एंड दिस यू विल डू ओनली इफ यू हैव टाइम इन योर एग्जाम. एट द एंड यू विल कम बैक एंड डू दिस, क्योंकि एमसीक्यू में इसका आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा. क्लियर है? अभी तक के लिए ये इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है. इफ समथिंग एल्स कम्स इन, ऑब्वियसली आई विल लेट यू ऑल नो. क्लियर? लेट्स रीड द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट आई विल नॉट सॉल्व पूरा, आई विल जस्ट शो यू द फर्स्ट लाइन एंड आई विल आस्क यू ऑल टू सॉल्व इट लेटर. सेकेंड पार्ट इज आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. तो A2 1/36 आ रहा है क्या इसको सॉल्व करने से? अच्छा सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया. 1/6 में आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज 3.
टू डाइस है, उसमें से एटलीस्ट वन विल शो थ्री. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एटलीस्ट वन, यानी कि दोनों भी शो कर सकते हैं. क्लियर? तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे? हैंड रेस करके बताओ. चैट बॉक्स में क्या लिखा है आपने? फेवरेबल आउटकम्स. यस पीयूष, यू कैन शो इट दिस वे एज वेल. आप ऐसे लिख सकते हो इस केस में कि एक्स एंड वाई आर द रैंडम वेरिएबल्स और द नंबर्स शोइंग अप इन द बोथ द डाइस रिस्पेक्टिवली. लेट द फेवरेबल आउटकम बी, सॉरी, लेट द फेवरेबल आउटकम बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स कॉमा वाई इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड देन यू कैन शो इट. आई जस्ट कॉपी पेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू कि पीयूष ने कैसे लिखा है. दिस यू कैन डेफिनेटली डू. तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे? आपको ये लिखना है कि लेट एक्स एंड वाई, पर एक्स एंड वाई डिफाइन करना एंड लिखना कि आप आउटकम एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख रहे हो एंड देन यू कैन शो दिस. क्लियर? बट ये बात है ना कि आपको ये स्टेप तो दिखाना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको ये स्टेप दिखाना पड़ेगा. तो आप क्या कर सकते हो फिर इस स्टेप में? आप डॉट 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 लिख सकते हो, लाइक ये दोनों लिखा एंड देन इसके लिए डॉट 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 एंड बाकी लास्ट में ये, क्योंकि आपने ऑलरेडी आउटकम दिखा दिखा चुके हैं आपको. ठीक है, सो यू कैन डू दिस वे एज वेल. सेकेंड क्वेश्चन कौन बताएगा? हैंड रेज करो. बहुत सिंपल है. एनीवन ट्राई करो. एक्स वाई अभी तो समझ में आ गया कैसे करें. आंसर नहीं चाहिए ना? आंसर नहीं, ऐसे सॉल्व करके बताओ. आंसर ठीक है, आंसर ए थ्री है. हाँ बोलो बोलो ना जाओ. So it will be the outcomes will be 1 3 3 2, then 2 3, so we'll get 11 outcomes, so it will be 11 by 36. 11 outcomes कैसे? पहले 1 3 2 3, एक बार म्यूट कर. 1 3 2 3 वैसे करके हमारे 6 3 करके हमारा 6 आउटकम्स आया वैसा. ठीक है, वैसा 6 आउटकम्स बना. और दूसरा टाइप का आउटकम्स क्या है? 1 3 2 3 3 3 4 4 3 वैसे करके 6 बन गया. और उल्टा हो सकता है, 3 1 3 2 3 3 वैसे, 3 3 तो दो बार आ चुका ऑलरेडी. सो 6 प्लस 5 लोगे 11. क्लियर? सो अगेन यहाँ पे यू कैन गो विद दिस अप्रोच. अगर आपको दिखाना है फेवरेबल आउटकम्स तो आप ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो. और वॉट यू कैन डू इज ऐसे देखना. आंसर ए थ्री ऑलरेडी हमें पता है, सो आई विल जस्ट सिंपली राइट इट ओनली. नाउ अब हमें क्या चाहिए? व्हाट आई विल डू इज ना, आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट ये वाला इंस्टेड ऑफ अगेन टाइपिंग द एंटायर थिंग. तो एक्स वन एंड वाई थ्री, ठीक है, प्लस इसी को कॉपी करूंगी क्योंकि वाई को नहीं चेंज करना मुझे बार बार. वाई एक्स टू एंड वाई थ्री. तो ये आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू ऑल कैन शो डॉट 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 करके पूरा चीज, राइट? एक चीज और कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस एंटायर थिंग डॉट 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 करके एक्स सिक्स वाई थ्री लिखा, फिर ऑपोजिट वाला पूरा लिखा. दिस यू कैन डू. वन मोर अप्रोच विच आई कैन यूज यहाँ पे इज दिस. आई विल से दैट एक्स इज थ्री एंड वाई इज नॉट इक्वल टू थ्री. तो नॉट इक्वल टू थ्री के लिए लिखेंगे. कैसे लिखेंगे नॉट इक्वल टू, बताना मुझे एक बार. चेक करें क्या क्या दिया हुआ था हमारे इसमें नॉट के लिए. आप लोग बताओ, आप लोग क्या यूज करोगे नॉट के लिए? नहीं दिया. क्या यूज करोगे? देखो अभी आप लोग क्योंकि आर कर रहे हो तो मुझे पता था ये वाला आंसर आएगा, नॉट थ्री. ठीक है, ये कर सकते हो बट आई विल सजेस्ट कि आप लोग नॉट इक्वल टू लिखो. ठीक है, अगर आप ये दिखा रहे हो, ये लिखना चाह रहे हो, तो यू कैन जस्ट राइट इट इन द ब्रैकेट समवेयर दैट यू नो दिस सजेस्ट, क्योंकि आप लोग आर कर रहे हो ना एक्चुअली. सो दिस इज एक्चुअली आप लोग के लिए मीन्स नॉट इक्वल.
ये लिख के छोड़ दिया, या फिर आप ये जो पूरा नॉट इक्वल टू है ये पूरा यहाँ पे लिख सकते हो, वाई नॉट इक्वल टू 3। क्लियर? बोथ द थिंग्स यू कैन डू। या तो आप यहाँ पे ये चीज दिखा दो, अगर आप ये चीज स्किप कर देते हो एंड यू डायरेक्टली राइट एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड, नो डाउट इन दैट। बट क्योंकि दिस इज आर का एक फंक्शन, आर का एक ऑपरेटर, तो इट्स नॉट दैट लाइकली कि सबको समझ में आए, है ना? तो इट्स बेटर कि आप ही दे दो। क्लियर ये चीज? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, क्यों मैंने ऐसे करके दिखाया? अगर आप लिखना चाहते हो और क्लियरली, तो आप नॉट इक्वल टू पूरा इधर पे लिख दो। ठीक है, ये एक हो गया। प्लस आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट ओनली दिस एंटायर थिंग, एंड यहाँ पे मैं इधर पे इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट नॉट इक्वल टू। मैं दोनों करके दिखा रही हूँ, ऑल्दो आप लोग को दोनों नहीं करना, कोई भी एक यूज करना। एंड एक और प्लस क्या हो, सॉरी एक और माइनस क्या हो जाएगा? ये दोनों 3 है, बताओ ये चीज किसी को क्लियर है? मत पूछना कि क्लियर नहीं है, बोलना मत, बहुत ही सिंपल था ये। ऐसा कोई है किसी को क्लियर नहीं हो रहा? आई विल एक्सप्लेन। तो बेसिकली इसमें 6 केसेस यू विल गेट, इसमें 6 केसेस यू विल गेट x3 y 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इसमें नॉट इक्वल टू लिया मैंने, तो यहाँ पे प्लस ऐड कर दूंगी ना, ये किया मैंने। हाँ, तो इसमें 5 केसेस यू विल गेट, इसमें 5 केसेस यू विल गेट एंड 1, सो 11 केसेस हो गया। बोलो, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि दोनों नॉट इक्वल टू है, एनीवन अगर किसी को कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो प्लीज पूछ लो, ये सही है क्या? एक्चुअली क्वेश्चन इज सेइंग एटलीस्ट वन डाइस शुड गिव यू 3, तो विच इज व्हाट? 1 माइनस दोनों डाइस में 3 नहीं आया? सिंपल, यहाँ हमने क्या किया, एक में 3 दूसरे में 3 नहीं आएगा। 5 आउटकम्स 5 आउटकम्स प्लस 1 जो निर्जा ने बताया, एंड देन दिस इज एक्चुअली 1 माइनस, इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भाई वैसे करके दिखा दोगे, ऐसे करके पूरा, ठीक है दिखा देना, एंड यू विल जस्ट गेट, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एनी मोर। क्लियर? क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? इसको प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट इक्वल टू 3 का आउट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी वंशिका बताना क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी, एक का बताओ खाली क्या होगा? बहुत सिंपल है, 1 माइनस प्लीज इसका आंसर। म्यूट करो। एनीवन एल्स? निर्जा को छोड़ के एनीवन एल्स? यस जानवी, मैम, इट विल बी 5/6। 5/6 होगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 6 हमने बोला, नॉट इक्वल टू 3, तो 3 को छोड़ के बाकी सब आने का क्या? प्रोबेबिलिटी 5/6 है ऑब्वियसली, है ना? बस ये हो गया, अभी यू विल गेट द आंसर 1/11/36। तो ये आप लोग करोगे जब ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है इन अ प्रॉपर वैसा फॉर्मेट है। मैंने सब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आप लोग को समझा दिए, नॉट इक्वल टू ये अगर यूज करो तो प्लीज ये दे देना, कहीं भी इनिशियली अगर दोगे एक भी कोई क्वेश्चन में, बाकी देन यू कैन यूज इन ऑल द क्वेश्चंस, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको इनिशियली अगर दे दिया कहीं तो फिर आप यूज करो आराम से, नो प्रॉब्लम। आई विल जस्ट डिस्कस एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक बिलोंग्स टू का साइन है, एंड अदरवाइज यू विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन खुद से, क्योंकि उसमें एज सच आप लोग को कुछ भी अलग सा नहीं यूज करना, राइट? ओके, सो लेट्स रीड द थर्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाइस शोज एन ऑड नंबर। तो एटलीस्ट वन डाइस विल शो यू एन ऑड नंबर, कैसे करेंगे इसको? एटलीस्ट वन डाइस डाइस शोज यू एन ऑड नंबर, मतलब कि 1 माइनस कोई भी डाइस आपको ऑड नंबर नहीं शो कर रहा, सेम लॉजिक,
सेम लॉजिक, तो इसमें अपने कैसे लिख सकते हैं देख लूं। दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच केम लास्ट ईयर, लास्ट टर्म सॉरी। इसका आंसर हम देख लेंगे क्या आएगा। ओके सो लेट्स सॉल्व इट। सो बेसिकली इट्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स इज एन इवन नंबर, वाई इज एन इवन नंबर। सो बेसिकली एक्स कैन बी 2 2 4 6, वाई कैन बी 2 4 6। सो हम लोग ये बोल सकते हैं एक्स बिलोंग टू का जो साइन होता है वो कैसे देते हैं हम लोग, याद है बिलोंग्स टू, इसमें लिखा है क्या बिलोंग्स टू? आई डोंट थिंक इन्होंने लिखा है तो। So what you can do is you can simply write belongs. ठीक है, आप अगर सिंबल सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएगा, बट उतना मेहनत हम नहीं करेंगे कि हम पूरा देखें। सो एक्स बिलोंग्स टू एंड यू विल गिव विद इन, एंड हमेशा कर्ली ब्रैकेट में हम स्टेट देते हैं राइट। तो इसमें क्या लिख देंगे 2 4 6। इज इट करेक्ट एवरीवन? सब लोग फॉलो कर पा रहे हो मेरे को? सेम थिंग लाइज फॉर वाई, इज इट क्योर? इज दिस फाइन? ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बताना। 1 माइनस, अनुजा इसका बताओ, खाली मेरे को इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 माइनस 9 बाय 11 आएगा, क्योंकि वी विल टेक 2 4 4 2 2 6 6 2, देन 4 6 एंड 6 4, एंड देन 2 2 4 4 6 6। सो बेसिकली ठीक है म्यूट करो। ठीक है, सो इस नर्जा ने सारे आउटकम्स बताए, ठीक है 2 2 2 4 2 6 वैसे करके उसने सारा आउटकम्स बताया। सो देयर विल बी 9 आउटकम्स। तो आप वो अप्रोच भी कर सकते हो कि आप सारा आउटकम्स दिखा के, फेवरेबल आउटकम्स दिखा के आप कर सकते हो, या फिर अगर मैं खाली इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी का बात करूं कि दैट एक्स कैन बी 2 4 6, तो इसका क्या मतलब है? इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 3 बाय 6, करेक्ट? करेक्ट, एनी डाउट इन दिस? बट बोथ द अप्रोच आर करेक्ट। ठीक है, जो निर्जा ने बोला एंड जो ये कर रहे हैं हम, दोनों करेक्ट है, इससे आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके बताना मुझे कितना आ रहा है। बेसिकली 1 बाय 2 1 बाय 2 हो गया, सो 1 बाय 4, 3 बाय 4 है क्या आंसर? 3 बाय 4। ठीक है, तो दिस वाज विच पार्ट, विच पार्ट? 3 बाय 4 वाज विच पार्ट? पार्ट 2, सो A2। ठीक है, क्लियर? कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? अगर एमसीक्यू आते हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू जस्ट हैव टू मेंशन दिस, यू जस्ट हैव टू मैंशन दिस, यू विल गेट योर फुल 2 मार्क्स वहीं पे। अगर नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो पूरा करके दिखाओगे ऑब्वियसली, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप ऊपर आओ, लाइक टूवर्ड्स दी एंड ही आना, ये पूरा चीज खाली लिख दो तो चलेगा। अगर और ज्यादा टाइम है, यू ऑल कैन जस्ट सिंपली राइट इट, उसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं। लाइक ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने इतना बड़ा दिखाया, उसको बड़ा दिखाने का कोई मीनिंग नहीं है, खाली ये वाला स्टेप दिखाओ एंड इसके बाद यू ऑल कैन जस्ट यू नो शो दिस स्टेप, इसको स्किप करके डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर, और यू कैन इवन अवॉइड टू राइट द आंसर बिकॉज वो आपने ऑलरेडी इधर कैलकुलेट करके लिख दिया। सो यू जस्ट हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? एनी मोर डाउट्स? यहाँ पे वी क्विकली सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन विच इज अगेन वेरी सिंपल, एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स जो भी है। तो ये आपने कर लिया क्या थ्योरी क्लास में? एक बार थम्स अप या हैंड रेज करके सब दिखा दो मुझे। आई थिंक रिग्रेशन हो गया, ये हो गया ना क्लास में? सुमेधा मैम आज ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। बट यू विल बी एबल टू सॉल्व एस एक्स एक्स वाई वाई? यस मैम। ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, लेट्स डू इट। ठीक है, सो कंसिडर अ रिग्रेशन मॉडल इन विच द रिस्पॉन्स वेरिएबल वाई आई इज लिंक्ड टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर मॉडल। ठीक है, आर यू एबल टू रिलेट ऑल ऑफ यू? है ना?
Hemant, is it fine? Okay. Assuming that the error terms are independent and normally distributed with expectation 0 and sigma square, basically EI follows normal 0, sigma square. Sample size de diya 10 hame. The following statistics have been observed. So, ye hame diya hai summation of all the xi's. So, kitne xi's hai hamare paas? 10? 10 hai na sample size. So, basically this n stands for 10. Sure? yi ka summation xi xi square ka yi square ka and xi yi ka summation. All the summations are given to us. Okay? Calculate the values of sxx, yy and xy. कैसे निकालते हैं xxx का हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? बताओ कोई भी एक जन हैंड रेस करके. यूजिंग दीज वैल्यूज इतना डिफिकल्ट नहीं है. ये नहीं किया है क्या आप लोगों ने इसका मतलब क्लास में? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एक्स एक्स ये मुझे बताओ. यस वंशिका. समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन. सुमेधा मैम इसको मतलब कि समेशन xi का स्क्वायर माइनस n इनटू x बार का स्क्वायर. समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस n इनटू x बार का स्क्वायर. ठीक है, तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर इज गिवन 2014. ठीक है, n इज गिवन व्हिच इज 10 एंड x बार का स्क्वायर. x बार कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन. तो एन एन कैंसिल आउट हो गया. अगर आप करना चाहो तो आपका क्या बचेगा? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन ओनली. इज इट क्लियर? 3 मार्क्स का है, मैं एक करके दिखाऊंगी बिकॉज आई थिंक काफी लोगों ने अभी तक यहां तक नहीं किया है. So basically, what do we just have to write? S, capital S, XX. आपको summation and all नहीं देने का जरूरत, but मैं दिखाऊंगी वो भी करके. आपको खाली values लिखने हैं क्योंकि values आपको given है. तो it's understood. 2014 minus 141 का whole square and this entire thing divided by 10, which is your n. इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में दिखाना चाहते तो हम कैसे दिखाते? देख लो सम कहां से कहां जा रहा है हमारा, 1 से लेके 10 तक. इसका सम ले रहे हो, इसका सम ले रहे हो एक्स आई स्क्वायर का, एक्स I square का. Is it correct? Is this correct? देख लो आपको अगर ये ब्रैकेट यूज करना है फर्स्ट वाला, और हमने फर्स्ट ब्रैकेट लेके किया है, सो फर्स्ट ब्रैकेट लेके ही करते हैं. जो चीज किया है उसको कंसिस्टेंट रखते हैं, राइट? एंड देन दिस एंटायर थिंग आई एम कॉपी पेस्टिंग क्योंकि 1 से लेके 10 एक्स आई का खाली ये पूरा चीज का होल स्क्वायर है ना, इस पूरे चीज का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एन. देख लो यहाँ पे एक और, इफ यू वांट टू टेक वन मोर ब्रैकेट यू कैन टेक वन मोर. इज इट क्लियर? सॉरी माइनस होगा. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आप लोग दिखा सकते हो, बट क्योंकि क्वेश्चन इज जस्ट ऑफ 3 मार्क्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज,
you will just show this, and in the next line you will just give the answer. You will just give the answer. Whatever is the answer, abhi hum nahi dekh rahe. Whatever is the answer, answer is actually 225.9. You will just give the answer, that's it. Sir, agar 3 marks se zyada hota, to hum log ye cheez dikhate. Summation wala cheez clear hai sabko? Theek hai? To uske baad ka portions I am not solving right now. क्योंकि काफी लोगों ने नहीं किया. राइट डाउन द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट. आर एक्स वाई निकालने बोल रहे हैं. आर एक्स वाई इज एक्चुअली एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर एस एक्स एक्स इनटू एक्स 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 वाई वाई. क्लियर? ठीक है, तो आप लोग दिखा दोगे. अगेन इट्स ऑफ ओनली 1 मार्क्स. तो खाली जब 1 मार्क्स का है तो यहाँ आप लोगों ने जो वैल्यूज निकाल ली है ना एक्स एक्स के, एक्स वाई के और एक्स एक्स वाई वाई के, just use those values. Like I'll just quickly show you the thing kaise karna hai. Just use the values. Kyun ye main bar bar bol rahi hu? Because when exam you all have to, you know, solve this very smartly. Capital R nahi hai, small r hai. So basically yahan jo bhi aapka values aa rahe hain, so aapka x x y main answer dekh ke kar rahi hu, 19.3 hai. This thing divided by square root of ये पूरा चीज 25.9 into s y y का आंसर है 16.1. Just have to write this, you'll get your 1 mark. You don't have to write यहाँ पे s y x y and यहाँ पे अलग से. अगर आपके पास again same logic time है तो आप लिख दो and next line में ये लिखो and इसको solve करके answer लिख दो. So just one extra line अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाओगे, मैं आपको दिखा दे रही हूँ वो भी. S by divided by square root of S X X into S. थोड़ा gap दे दे के मैं क्यों लिख रही हूँ ताकि it looks good, understandable हो जाए. Otherwise थोड़ा hodgepodge लगेगा. Is it clear? अगर आपको square root सारे capitals में लिखने, आप लिख सकते हो, कोई problem नहीं है. Next part is easy. Again I am not solving it. आपको बेसिकली ए एंड बी निकालने बोला है, तो ए एंड बी आप निकालोगे. आई एम नॉट सॉल्विंग दैट क्वेश्चन. ए हैट एंड बी हैट, क्योंकि आप एस्टिमेट कर रहे हो तो आप कैसे लिखोगे उस चीज को. ए हैट अगेन कैपिटल नहीं होगा एंड बी हैट. क्लियर? अगर आपको हैट को ब्रैकेट में लिखना है लिख सकते हो, बट अगेन आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डू दैट. ए हैट ऐसे लिखो चलेगा. अंडरस्कोर देना है यू कैन डू, बट अगेन ऐसे लिखोगे तो बेटर है. यू ऑल कैन सी द नोटेशन जो हमने लास्ट क्लास किया था, वहां पे देख लो. बी हैट एक्स बार. सो इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर आप कैरेट सिंबल दे सकते हो. आई विल सजेस्ट कि आप ये लिखो जो मैंने किया. इट्स अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत नहीं. इज इट क्लियर? 2 क्वेश्चन. क्या कैसे दिखाना है, एमसीक्यू आएगा तो आपको क्या करना है, जस्ट हैव टू मेंशन द दिस पर्टिकुलर आंसर. खाली टाइम है तो भले ही एक लाइन दिखा दो. अगर पूरा सब्जेक्टिव है ऑब्वियसली तब हम लोग ऐसे पूरा करके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग? नहीं? ग्रेट. सो प्लीज प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. आई एम सेइंग प्लीज प्रैक्टिस 1 hour of word. It's very 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 important that you all do this. अब आप लोग मुझसे अपना एक एक करके, आप लोगों ने अभी तक जो भी प्रैक्टिस किया है, आप लोगों को जो भी डाउट आ रहे हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. जस्ट रेज योर हैंड एंड यू ऑल कैन जस्ट आस्क योर डाउट्स. कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ समझना मैम, जब इंटरपोलेशन कर रहे तो मतलब ऐसे जरूरी है शो करना कि बस लिख सकते हैं बाय इंटरपोलेटिंग वी आर गेटिंग दिस आंसर? बाय इंटरपोलेटिंग नहीं, अगर पूरा लिखो पहले तो बाय लीनियर इंटरपोलेशन. ठीक है, वो चीज लिखना है. एंड जैसे जब इंटरपोलेशन कर रहे हो तो क्या होता है कि आपको 2 वैल्यूज गिवन होते हैं. सपोज x1 एंड x2 गिवन है, आपको x का या y का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो बाय लीनियर इंटरपोलेशन आप लिखो x1 इक्वल टू दिस, x2 इक्वल टू दिस, y equal to, जो पूरा वो इक्वेशन बनेगा जस्ट राइट दैट इक्वेशन. नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स. ठीक है, क्योंकि इंटरपोलेशन अलग से तो आएगा नहीं कभी भी, इट विल कम एज अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, है ना? तो
अगर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बड़ा, मतलब इट्स ऑफ 4 to 5 marks एंड आप देख रहे हो कि आप ज्यादा स्टेप्स नहीं दिखा रहे हो उसमें, जस्ट 1 or 2 lines यू आर शोइंग एंड उसमें लीनियर इंटरपोलेशन करके आप पूरा करो, तो आप पूरा देखो। जैसे आप लोग जब ये आप लोग प्रोबेबिलिटीज और नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज में ज्यादा यूज करते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल में, है ना, जहाँ पे आप लोग पूरा लीनियर इंटरपोलेशन करते हो, तो उस केस में इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 2 to 3 marks इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, जस्ट राइट बाय लीनियर इंटरपोलेशन यूजिंग टेबल बुक, ठीक है। और एक चीज क्या दिखा सकते हो, y इक्वल टू वो पूरा जो इक्वेशन होता है, ठीक है, जो आप लिखते हो ना x2 - x1 / वो पूरा इक्वेशन है। एंड यू नो वॉट, क्योंकि आपके पेपर में बहुत बार आएगा लीनियर इंटरपोलेशन, तो एक बार आपने अगर लिख दिया है कहीं पे, यू ऑल कैन सिंपली कॉपी पेस्ट इट इन योर सब्सिक्वेंट आंसर्स, ठीक है, यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। तो एक बार मेहनत है कि एक जगह लिखना पड़ेगा, x1 का वैल्यू इज दिस, x2 का वैल्यू इज दिस, हेंस इस पर्टिकुलर का वैल्यू विल बी दिस थिंग। तो ये 2-3 line, 2 line इनफैक्ट खाली जो है आपको जो लिखना है, ये एक बार आपने लिख दिया तब आगे कॉपी पेस्ट करके खाली वैल्यू चेंज कर सकते हो, और वैल्यूज में भी क्या चेंज करना होगा, x1 x2 का वैल्यू खाली चेंज करना है, एंड यू कैन जस्ट राइट योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये करो। बट अगर क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, अगर कहीं पहले लिख चुका है आपने तो आप कॉपी पेस्ट फॉर श्योर करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ये सब कब होता है ना, जो आपका स्पीड इज वेरी गुड, जो आपका प्रैक्टिस के वजह से आएगा। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि CS1 का पेपर सॉरी कभी टाइम पे नहीं फिनिश हुआ, बिकॉज एज इट इज पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है, सो यू ऑल कैन इजीली फिनिश द एंटायर पेपर विद इन 2 hours 45 minutes अराउंड, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। एंड यू ऑल हैव दैट, यू नो, 20 minutes मिनिमम मिलता है फॉर रिविजन इन CS1 पेपर, विच आई हैव सीन इवन इन वर्ड। Anyone else? Anything? Any? So this was actually very good question about interpolation. Anything else? ठीक है. So we can end today's class. Please do practice, क्योंकि अब ज़्यादा time नहीं बचा exam में. 1 month भी 2 months भी नहीं है पूरे. तो please आप लोग practice करो. Every day at least 1 hour word को देना ही है. Initially थोड़ा time लगेगा आपको, maybe copy pen पे लिख के करना पड़े. बट वो विद टाइम 10 days वैसा होगा, बट आफ्टर 11th day इट विल नॉर्मलाइज एंड आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है, ओके, बाय।